नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। बहुजन मुक्त पार्टी के राष्ट्रीय सचिव महासचिव परविंदर प्रताप सिंह ने लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर आज पलवल में पार्टी का 65वां सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में पार्टी द्वारा गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए लाखों गांवों में सरकारी विद्यालय खोले जाएंगे। यह स्कूल केवल मात्र गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विद्यार्थियों के लिए होगा। देश में 14 लाख तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने के लिए दक्ष एवं प्रशिक्षित अध्यापकों का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण संस्थाएं खोली जाएंगी, जिसकी शाखाएं प्रत्येक राज्य में होगी। शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पादन GDP के 10% बजट शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए विश्व स्तरीय श्रेणी के विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें संख्या के अनुपात में SC ST OBC और माइनॉरिटी का कोटा दिया जाएगा। देश से प्रदेश से प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करने के लिए विदेश भेजा जाएगा। यह योजना कक्षा 5वीं से लागू की जाएगी। कृषि नीति के तहत कृषि बजट अलग से पेश किया जाएगा। किसानों को लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य दिया जाएगा। किसानों व मजदूरों की 60 वर्ष आयु होने पर 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। हर जिला स्तर पर कृषि अनुसंधान केंद्र खोले जाएंगे। 10 गांवों के बीच में कृषि आधारित उद्योग लगाए जाएंगे। ठोस कानून के तहत यदि किसानों की जमीन पर डेवलपमेंट पर उद्योग नहीं लगाया गया है तो यह जमीन वापस किसानों को दी जाएगी। स्वास्थ्य नीति के तहत हेल्थ सिक्योरिटी एक्ट बनाया जाएगा। प्रत्येक नागरिक का साल में एक बार निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा व अत्याचार निवारण नीति बनाई जाएगी। औद्योगिक नीति व राष्ट्र से जुड़े मुद्दे पर पार्टी काम करेगी। भारतीय न्यायिक सर्विस कमीशन नदियों को आपस में जोड़ना, आरक्षण नीति, जाति गणना, जनगणना के आधार पर बनाई जाएगी। साइज की मशीन भी बनाने का काम करेंगे और वो वोट भी मात्र चंद समय के अंतर में मात्र जो है वो गिना जा सकता है। इसलिए BMP की सत्ता में आने पर या तो 100% VVPAT से निकलने वाली मशीनों की गिनती की जाएगी या फिर से चुनाव कराए जाएंगे और उसके बदले उसके बेटे को या उसके पति को सरकार के द्वारा निर्धारित काम करना होगा, जिससे कि राष्ट्र निर्माण में उसकी व्यवस्था हो सके। बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे देश भर में चुनाव लड़ रही है और लगभग हर एक राज्य की कमिश्नरी में कम से कम एक कैंडिडेट को हम लोग लड़ाने का काम मजबूती के साथ में कर रहे हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को भगाया जा सके। और बहुजन मुक्ति पार्टी ने अपना 65 सूत्रीय घोषणा पत्र 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जारी किया है, जिससे कि वादा खिलाफी करने वाले लोगों के ऊपर में अंकुश लगाई जाए। जनता धोखा खाती है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, पूरे देश को लूटने का काम करती है, बड़े बड़े वादे करती हैं लेकिन किसी भी वादे पर खरा नहीं उतरती है। हमको अगर अवसर मिलेगा तो ऐसे लोगों को आने वाले समय में जो जनता के साथ में वादा खिलाफ भी करने का काम करते हैं, कम से कम चुनाव आयोग से भी हम लोग अपील करेंगे कि 10 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने से वंचित करने का काम करें। हरियाणा में 7 सीटों पर हम लोग बहुत मजबूती के साथ में चुनाव लड़ा रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।